G20 सम्मेलन हो या फिर बाकी वर्किंग ग्रुप की बैठक, इन मीटिंग्स के एजेंडे पर मोहर लगाने के लिए सदस्य देशों के शेरपा आपस में बात करते हैं। जिन मुद्दों पर बैठक में बातचीत होनी है, शेरपा उन पर सहमति बनाने और असहमति सुलझाने का काम करते हैं। आज भास्कर एक्सप्लेनर में जानेंगे महत्वपूर्ण सम्मेलनों में शेरपा की भूमिका क्या है और इनका नाम शेरपा क्यों पड़ा। शेरपा शब्द का मतलब है पूरब के लोग। इसे तिब्बती भाषा के शब्द शर और पा से मिलाकर बनाया गया है। ये हिमालय के बर्फीले इलाकों में निवास करने वाली एक जाति है जो अब भारत और तिब्बत में पाई जाती है। साल 1953 में न्यूजीलैंड के माउंटेनियर सर एडमंड हिलेरी ने जिसकी मदद से हिमालय को पहली बार फतेह किया था, वो थे शेरपा तेंजिंग नोरगे, जो आज भी एवरेस्ट पर जाने वाले माउंटेनियर्स को रास्ता दिखाने और उनका सामान पहुंचाने में मदद करते हैं। शेरपा तेंजिंग नोरगे की तरह ही G20 समिट के दौरान अलग अलग देशों के शेरपा अपने नेताओं की मदद करेंगे, साथ ही अपने देश के नीतिगत फैसलों से बाकी सदस्य देशों को वाकिफ कराएंगे। शेरपा का पद किसी राजदूत के बराबर होता है। इनकी नियुक्ति सदस्य देश के राष्ट्रपति करते हैं। भारत सरकार की तरफ से G20 सम्मेलन से 2 महीने पहले 7 जुलाई को नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत को नया शेरपा नियुक्त किया गया है। सम्मेलनों में बड़े फैसले लेने के लिए 2 स्तरों पर बैठकें होती हैं। पहली शेरपा ट्रैक, इस बैठक में जो भी बातें होती हैं उसको लेकर शेरपा अपने देश के नेता को अपडेट देते हैं। दूसरी फाइनेंशियल ट्रैक, इसका नेतृत्व वित्त मंत्री और RBI गवर्नर स्तर के अधिकारी करते हैं। इसकी जिम्मेदारी सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स के साथ बैठक करके आगे की नीति तय करना होता है। इसके साथ ही ऊर्जा, व्यापार और निवेश, विकास, रोजगार, पर्यटन, कृषि, डिजिटल इकोनॉमी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति, पर्यावरण और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर भी देशों के शेरपा आपस में बात करते हैं। इस बार G20 की बैठक में भारत ने अपनी अध्यक्षता में आपदा और स्टार्टअप जैसे मुद्दों पर बातचीत के लिए अलग से ग्रुप बनाए हैं। 9 और 10 सितंबर को होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से पहले शेरपा स्तर की 4 बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। इनकी पहली बैठक दिसंबर 2022 में उदयपुर में हुई थी। अपनी पहली बैठक में शेरपाओं के बीच स्वास्थ्य, शिक्षा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, रोजगार, भ्रष्टाचार, पर्यटन, संस्कृति, कृषि, व्यापार और इन्वेस्टमेंट जैसे तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हुई थी। शेरपा किसी भी बैठक में फैसला लेने के लिए बहुत ही अहम पद होता है जो किसी भी देश को बातचीत की दिशा तय करने में मदद करता है। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ।